नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, काफी चर्चा में है एक टॉपिक, जो टॉपिक है बिहार के कांस्टेबल के एग्जाम लीक मामले का। आपको बता दूं कि बिहार कांस्टेबल एग्जाम चल रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो कि अभी चल रहे हैं पूरे बिहार राज्य भर के अंदर, जो कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट कराने के लिए बिहार पुलिस के अंदर चल रहे हैं, जिससे रिलेटेड काफ़ी बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दूं कि यहां पर हुआ ऐसा है कि पेपर लीक और काफ़ी चीटिंग जैसी संभावनाएं बताई गई हैं कि ये पूरे बिहार राज्य में इस एग्ज़ाम में हुई है, जिसको लेकर इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे आपके। जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार में जो एग्जाम हुआ है आपका कांस्टेबल का, लोगों का कहना है कि ये लीक हो गया है पेपर, और साथ में इसमें गैजेट्स यानी कि ई गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाए गए हैं, पेपर चिट्स चलाए गए हैं राज्य भर के अलग अलग जिलाओं के अंदर जहां पर भी ये एग्जाम का सेंटर हुआ था। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपका जो कमीशन सिलेक्शन बोर्ड है, यानी जो इस प्रोसेस की रिक्रूटमेंट करा रहा है बिहार के स्टेट के अंदर आपकी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि कितनी सच्चाई है, कि सच में ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। और ऐसा भी कहा जा रहा है जो आपका पेपर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी जो आप पेपर देकर आए हैं, जो आपने अभी पेपर दिया है, एक आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है सेकंड फेज का, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि ये कैंसिल कर दिया गया है। मतलब जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उन्होंने उन कैंडिडेट्स में ये आक्रोश है कि वो एग्जाम देकर आए और उनका एग्जाम जो है वो मान्य नहीं रखा गया है, सभी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है टोटली, चाहे उनका कितना ही अच्छा एग्जाम क्यों ना गया हो। तो उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी थी ये आपकी बिहार कांस्टेबल में 21,391 यानी कि 21,391 पोस्ट पर वैकेंसियां थी कांस्टेबल के पद के लिए पूरे बिहार के अंदर। और इसमें क्या है, इसमें अप्लाई करा था पूरे इंडिया भर से, यानी इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हर एक राज्य के कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा था, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब थी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा सारे डाउट जो भी यहाँ पर बोले जा रहे हैं इस जॉब से रिलेटेड, जो भी आपकी धांधलीबाजी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा मिसकंडक्ट हुआ है, अच्छे से एग्जाम नहीं किया गया है, लिया गया है, बहुत सारे जो भी है किसकी गलतियां हैं वो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो काफी ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल के लिए ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि स्पेशली बिहार स्टेट के लिए। आप देखेंगे आप अलग अलग स्टेट की होती है, तो यहाँ पे बिहार स्टेट के लिए है, तो स्पेशली यहाँ पर बिहार राज्य के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए बात हो रही है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस निकाला गया है, कहा गया है कि हम कैंसिल कर रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन भी कर रहे हैं, जो रिटर्न एग्जाम हो रहे थे आपके पुलिस के लिए, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए। तो चलिए समझते हैं क्या क्या कहा गया है आयोग की तरफ से इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका नोटिफिकेशन था, ये उन लोगों के लिए दिखा रहा हूं जिनको पता ना लग रहा हो कि किस जॉब के बारे में बात हो रही है, कौन से रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो आप अगर देखेंगे तो ये केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक ए 626 जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना से निकाला गया था, और इसमें बोला गया था कि हमें सिपाहियों की यानी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करनी है हमारे बिहार पुलिस के अंदर। जो भी इसके लिए एप्लीकेबल हो, पुरुष महिला अप्लाई कर सकते हैं और पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अब तो इसमें आप सैलरी और बाकी सब देख सकते हैं, पूरा इसके अंदर दिया गया था। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, उनके लिए है। आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी था इस फॉर्म के लिए, यानी ये पूरी ऑल इंडिया वैकेंसी थी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि आयोग ने कैंसिल क्यों कराया एग्जाम, उसके रीजंस क्या है। तो डायरेक्ट चलेंगे हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो आप देखिए, कार्यालय आदेश, ये अमला आदेश यानी ऑर्डर निकाला गया है, कहा गया है परीक्षा
अंतर्गत बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु आपकी जो है 1 अक्टूबर को जो आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में, तो 1 अक्टूबर वाले की बात होगी, मतलब कि अभी सिर्फ आपका 1 अक्टूबर वाला कैंसिल किया गया एग्जाम। और रही बात आगे आपका भी, यहाँ पे 5 अक्टूबर को भी एग्जाम है और आगे भी होंगे, इसके और भी 2-3 फेज होने हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैकेंसियाँ हैं और ऑल इंडिया जॉब में अप्लाई कर रहे हैं सब लोग इस पे, तो इस वजह से यहाँ पर जो है अलग अलग फेज में इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पर बोला है कि द्वारा पुलिस बिहार पुलिस एवं कई अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु संबंधित लिखित परीक्षा हुई थी आपकी 1 अक्टूबर रविवार संडे के दिन। ये आपकी दो शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था पूरे स्टेट के अंदर। जिसने भी स्टेट के अंदर या जहां पर भी आपका इस जॉब से रिलेटेड सेंटर रहा था, तो उसके लिए बता दूं तो यहां पर ये 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था और कहा गया है कि रविवार को उक्त दोनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफ़ी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एवं चिट पर्चों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट अरेस्ट करा गया है उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपडेट, क्योंकि ये लोग चीटिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चला रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ऐसी, यानी बाकी सारे जो रिसोर्सेज है उनसे भी पता लगा है, जानकारी प्राप्त हुई है कि परीक्षा के प्रश्नों के तथा कथित उत्तर सादे पन्नों पर मात्र सीरियल नंबर के सामने उत्तर लिखकर मोबाइल एवं अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। मतलब कि लोगों ने यहाँ पर अपने मोबाइल से चीटिंगें करी हैं और बहुत सारी चीटिंग तरह तरह की करी है इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा इन उत्तर की नकल करते हुए और चिट पर्चे के साथ पकड़े गए हैं। मतलब डायरेक्ट ये लोग अपने प्रूफ के साथ, मतलब कि इनके पास वो सारी चीज़ें मिली हैं जिससे चीटिंग कर रहे थे, और इसी की वजह से इन सबको गिरफ्तार किया गया है। जितने भी अरेस्ट करे गए हैं सारे कैंडिडेट्स जो भी इस चीज़ में शामिल रहे थे, इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। इनको, इनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो चुका है। वर्तमान में ये सभी मामले अनुसंधान अंतर्गत है। लेकिन आपका, अगर बता दूं यहाँ पर आप, मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है आपका जो 2 अक्टूबर के दिनांक इसके के अपराहन उपरांत ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त हुई। अब देखिए, मतलब कि 2 अक्टूबर और उसके बाद से जानकारी प्राप्त होनी चालू हुई है कि इन जानकारियों के विश्लेषण उपरांत पाया गया कि इस प्रकार के क्रियाकलाप प्रथम दृष्टा सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है। मतलब कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ये प्लानिंग के साथ किया गया है, ऐसा लग रहा है। इस प्रकार के क्रियाकलाप प्रथम ढंग से संगठित गिरोह, मतलब कि ग्रुप बनाकर ये सब कराया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में इस तरह के और मामले प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। मतलब ऐसे और भी हो सकती है। मतलब अभी जैसे आप कहेंगे कि 1 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट में ऐसा हुआ है और ये हर सेंटर पे हुआ है, ऑलमोस्ट हर सेंटर पे हुआ है, तो इसके लिए कहा जा रहा है। अब आने वाले फेज में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि 5 अक्टूबर को कह लीजिए, या फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसके बाद 15 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम है, तो इन दिनों भी इसमें ऐसा कुछ भी हो सकता है कि भाई ऐसे में कैंडिडेट ट्राई करेंगे सेम चीटिंग करने की, ये सोच के कि 1 अक्टूबर में हो गई तो अभी भी हो सकती है हमारे वाले टाइम पे भी। तो इसीलिए इसकी संभावना है। इन क्रियाकलापों के कारण पर्षद की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हुई है, तो इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो वो लोग डायरेक्ट इसके बेस पर आपका सिलेक्शन नहीं कर सकते जिसमें चीटिंग हुई है। तो उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में पर्षद के द्वारा अब देख सकते हैं, दोनों परीक्षा लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मतलब वो दोनों ही कैंसिल हो गए हैं। इसके साथ साथ आपका जो 7 अक्टूबर यानी शनिवार का एग्ज़ाम और को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पालियों
तथा दिनांक आपका ये जो है 15 अक्टूबर रविवार को जो एग्जाम होने वाला है पंचम एवं षष्ठम पालियां यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ शिफ्ट में ये लिखित परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यानी ये एग्जाम सारे के सारे पोस्टपोन हो गए हैं, यानी आपके चार शिफ्ट और जो रह रहे हैं इस एग्जाम के वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और ये जो 1 अक्टूबर का एग्जाम है ये रिकंडक्ट होगा, मतलब इस एग्जाम को दोबारा लिया जाएगा और सभी पालियों प्रथम से यानी पहले से छठी पालियों तक की लिखित परीक्षाओं की नई तिथि एवं समय के संबंध में अलग से सूचना दी जाएगी वेबसाइट पर और समाचार से आपको एडवर्टाइजमेंट और जो न्यूज़ आते हैं उधर से भी ये चीज़ पता लग पाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था, आप देख सकते हैं बिहार पटना से रिलीज करा गया है। तो वो लोग जो एग्ज़ाम वाले दिन ये सोच रहे थे कि उनका एग्ज़ाम ये मान लिया जाएगा, खासकर चीटिंग वाले कैंडिडेट्स उनका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बात क्लियर कर दी गई है साफ, मैं इसको आपको बता रहा हूँ नोटिस के साथ बता रहा हूँ। साथ ही अब ये जो आपका एग्जाम है 1 अक्टूबर वाला ये अलग से किसी नेक्स्ट किसी एक अलग से न्यू डेट आएगी उस पर होगा, और रही बात 7 और 15 अक्टूबर के एग्जाम वो भी उस स्केड्यूल पे नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी उसके बाद ही हो रहे होंगे। तो अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो इसका नया डेट की संभावना ये है कि ये 20 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं आपका एग्जाम यानी अक्टूबर के एंड के कहीं ना कहीं एग्जाम हो रहे होंगे। अब फिर से ये सारे एग्जाम होंगे मेनली 1 अक्टूबर वाला, देखिए आगे वाले इसीलिए नहीं लिए गए हैं क्योंकि यहाँ चीटिंग हुई है, काफी तरह तरह से चीटिंग हुई है जिसके कारण उसको कैंसिल करना जरूरी था। और ये आयोग का डिसीजन जो भी इसके लिए जो भी इस डिसीजन के साथ एग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो भी कमेंट में आप बता देना, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से नए टॉपिक पे इसमें वीडियो चाहिए। तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कराया है इस जॉब से रिलेटेड और ये सब के लिए, और जो भी इसमें आपके जानने वाले लोगों ने जिसने भी एग्ज़ाम दिया था तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट उसको पहुंचाए, उसको भी पता लगे कि एक्चुअल में उसके जो एग्ज़ाम था 1 अक्टूबर का अगर वो उस वाले शिफ्ट में था तो उसका क्या चेंज, उसके एग्ज़ाम में क्या चेंज हुआ है, क्या डिसीजन आया है। तो ये पूरा आपका हो गया है क्लियर, आपका देखिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी मैंने नंबर्स बता दिए हैं, तो ये आपको क्लियर कर दिया गया है। हम आपसे मिलेंगे अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।